सीधा फाड़ देता और क्या करेंगे। हाँ ये देखो, ये जो है ना ये गन ईजिली निकल जाता था, तो पैकेजिंग का थोड़ा इशू लगा मुझे, पर आगे का देखते कैसा है। 12 वोल्ट मोटर, बहुत लोग बोलते कि भाई मेरे को 1000-2000 में मशीन चाहिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली ये जो 1000-2000 में जो आप मशीन लेते हो सच में ये कुछ काम का है भी कि नहीं बोलते। ये देखो जो भी अगर आप 1000-2000 से भी अगर लोगे, अगर आपका अगर पैसा वेस्ट हो रहा है तो क्या फ़ायदा लेके, है ना। ये देखो क्या निकला, मैं दिखाता हूँ एक एक करके। पहला तो ये गन है, ओके ये सब कनेक्शन किया हुआ है। देखो ये जो मोटर है ये लगता है मुझे आप किसी फ्रेम में ऐसा फिक्स कर सकते हो, ऐसा कुछ होगा, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐसा फिक्स कर सकते हो, प्लाईवुड के ऊपर नहीं तो किसी के ऊपर भी है। देखो इस तरह का है, ये मेन मोटर है ना, ओके ये है मोटर। और एक्स्ट्रा ये दिया है पाइप, लंबा पाइप दिया है ताकि आप जो है वो ऐसा दूर तक जो आप लेके जा सकते हो ऐसा। तो इसके अंदर और क्या क्या है, पाइप दिया है, मोटर दिया, फुल सिस्टमेटिक कनेक्शन किया हुआ है ऐसा, ओके। और इसमें घुमाने वाला कुछ सिस्टम है, ओके मुझे लगता है ये घुमाने से स्प्रेड होगा और एक बार पॉइंटेड होगा, देखेंगे कैसा क्या सिस्टम है। मैंने खुद ने तो नया ऑर्डर किया अभी ना, मालूम पड़ेगा अभी कैसा चल रहा है वो। ये मैंने ऑर्डर किया था कुछ 1500-2000 के आसपास कुछ पड़ा था। हाँ और इसके अंदर ये है मेन चीज़, ये पावर एडाप्टर दिया है लोगों ने और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ, ओके। और यस ये है पावर एडाप्टर, देखो ये 12 वोल्ट पावर एडाप्टर है, तो हम इसको चालू करके देखेंगे और कितना प्रेशर रहता है क्या आता है मैं आपको सब अभी दिखाने वाला हूँ। इसको पहले खोल देता हूँ ऐसा पिन, ये देखो ये लग जाएगा आपके लाइट के बोर्ड में लग जाएगा, ये जो मेन एसी लाइन होता है मेन लाइन उसमें लग जाएगा, है ना। और इसमें से आपको 12 वोल्ट मिलेगा पावर, है ना। मतलब देखो बहुत लोगों से क्या होता है, टू व्हीलर आपके पास, समझो टू व्हीलर आपके कार जैसा फैसिलिटी नहीं है 12 वोल्ट वाला सिस्टम, तो आप सीधा ये लगा सकते हैं, अपना लाइट पे लगा और अपना टू व्हीलर वॉश कर सकते हैं इससे। तो मैं देखते हैं एक्चुअली प्रेशर भी कितना है, देखते हैं, मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि आपको ये मशीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए। अभी प्रेशर हम चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा क्या सीन है इसमें। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे पास है लाइट का बोर्ड, एक बाल्टी पानी और ये है इसका पावर एडेप्टर और ये मशीन, है ना, और ये इसका मेन जो गन होता है, ये गन है ना। तो हम अभी आपको मैं बताता हूँ कनेक्शन कैसा करना है इसको। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पावर प्लग इसको लगा दिया। अब हम ये जो पावर पॉइंट इसको जो दिया हुआ है, देखो ये जो ढक्कन सिस्टम है ना, इसको हम ऐसा खोलेंगे और बाद में ये पॉइंट इसको ऐसा अंदर डालेंगे, ये देखो ये। तो हमने ये इनपुट साइड जो इसको बाल्टी में डाल दिया। अब एक्चुअली ये जो प्लास्टिक का, देखो ये बाल्टी के अंदर जा भी नहीं रहा है, तो हम मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो दबाना चाहिए, दबाने के लिए कुछ तो चाहिए वजन टाइप ऐसा, है ना, ये नहीं तो रुकेगा नहीं। देखो ये प्लास्टिक है ना, ऐसा हवा में उड़ के आ रहा है, ओके दोस्तों। तो देखो फाइनली मैंने इसको फिटिंग कर लिया है, अब हम देखेंगे इसमें प्रेशर कितना है। देखो हाँ मैंने ये चालू कर दिया ऑन, ओके। अरे ये तो बहुत स्लो चल रहा है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है इसको, मतलब चलाने के लिए। इसको मैं नीचे रखता हूँ ताकि पानी का फ्लो थोड़ा अच्छा आएगा, देखो बाल्टी ऊपर रहेगा ना पानी का, और ऐसे में अच्छा रहेगा वो। अरे यार प्रेशर तो ये देखो प्रेशर कैसा आ रहा है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी नज़दीक से, ये देखो ये एक तरह से मैं बता आपको कैसा दिख रहा है, वो खेत में जो दवाई डालते ना वो कैसा स्प्रे होता है ना, वैसा स्प्रे हो रहा है, बिल्कुल बारीक सा ऐसा नॉर्मली, देखो बिल्कुल कुछ भी प्रेशर नहीं है। तो इसको अभी और पॉइंटेड करके देखता हूँ, ये देखो पीछे वाला हैंडल है ना, इसको जब आप घुमाओगे ऐसा तो वो पॉइंटेड होता है, ये देखो ये हो गया पॉइंटेड। अरे वाह, लेकिन क्या मालूम है पॉइंटेड है, काफ़ी दूर जा रहा है ऐसा, मतलब मेरा जो बड़ा जो मशीन है ना वो जितना दूर जाता है उतना दूर, मतलब समझो कि 7-8 मीटर दूर फेंक रहा है ये पानी, पॉइंटेड बिल्कुल बारीक। देखो मैं कैमरा में नज़दीक ला के दिखाता हूँ, हाँ ये देखो दूर तक जा रहा है, वो देखो पिच करी दूर तक जा रहा है, बहुत दूर तक जाता है वो, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो ओके। तो सच कहो तो इसमें प्रेशर, अगर प्रेशर के हिसाब से लोगे ना तो ये तो गलती से ही मत लो आप, मतलब आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, प्रेशर के नाम पे बिल्कुल एकदम बकवास है वो। तो अगर आप प्रेशर के लिए लोगे तो गलती से मत लो, फोम वॉश भी कुछ नहीं हो जाएगा, ये 1500 में आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, आप लेके फेंक दोगे नहीं दोगे, तो आप मत लो ऐसा वाला मशीन। अगर आप चाहते हो भाई खुद का टू व्हीलर आराम से वॉश करने का टाइम पास, चलो करेंगे ऐसे एक बाल्टी पानी में, पानी का कमी है तो आप लो। अगर आपके पास पानी भी बहुत ज़्यादा है ना, भरपूर पानी है, तो मैं बोलूँगा आपको ये मशीन भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पानी ज़्यादा है तो आप ऐसे ही जग से फेंक के ही आपका गाड़ी वॉश कर लो, लेकिन आप ये बाल्टी में से भी आप वॉश कर लो, लेकिन आप ये मशीन मत लो,